सेल्वरम थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। बता दें कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंबिकापुरी क्षेत्र में 3 दिन पूर्व एक युवक की रक्त रंजित लाश बरामद हुई थी। शरीर पर घाव देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की फोटो वायरल की गई। उसके बाद युवक की शिनाख्त इंदर सिंह वर्मा के रूप में उसकी बहन ने की थी। पुलिस ने जांच में पहले बहन को लिया, जिससे पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि मृतक इंदर सिंह के रेखा यादव नामक युवती से अवैध संबंध थे। वहीं जब रेखा यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इंदर सिंह की हत्या करना स्वीकार किया। इस दौरान रेखा यादव ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पूर्व मृतक इंदर सिंह ने घर पर आकर विवाह किया था, जिसकी रिपोर्ट मल्हारगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं रेखा ने योजनाबद्ध तरीके से इंदर सिंह को अपने घर बुलाया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। वह चाकू और डंडों से उसे अचेत अवस्था में एरोड्रम थाना क्षेत्र से लगे गार्डन में फेंका है। वहीं पुलिस ने रेखा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से और पूछताछ जारी है। दिनांक 24/12 को अंबिकापुरी एक्सटेंशन के मैदान में एक शव मिला। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और प्रथम दृष्टया ऐसा पुलिस जब गई तो उसको ऐसा महसूस हुआ, प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि अज्ञात व्यक्ति जिसकी करीब उम्र 35 साल है, उसकी हत्या करने की आशंका थी। उसको डेड बॉडी को बारीकी से एग्जामिन किया। मृतक अज्ञात था, उसके पास कोई मोबाइल या आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई उसके अच्छे से तलाशी ली गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। एक महत्वपूर्ण सुराग मात्र ये था कि उसके हाथ पर लक्ष्मी लिखा हुआ था। मृतक की आइडेंटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण था, जिससे आगे आरोपियों की तलाश की जा सकती थी। उसके लिए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सभी जगह जो है उसके फ़ोटो जो है वो प्रसारित किए गए। स्कूटी पे 2 लोग मृतक को घटनास्थल पर लाते हुए दिखे। इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए एडिशनल SP जोन 2 श्री मनीष खत्री और CSP मल्हारगंज, CSP अन्नपूर्णा, TI अन्नपूर्णा, TI एरोड्रम, इन सब की मिलकर काम किया तो ये जानकारी लगी कि मृतक इंदर प्रजापति नाम का व्यक्ति है और इसके लक्ष्मी जो इसके हाथ पे गुदा हुआ था वो लक्ष्मी नाम की महिला से इसके संबंध थे। इसी से आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और पुलिस ने इसमें फाइनली 24 घंटे के अंदर ना केवल मृतक की पहचान की बल्कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से निकल के आया कि लक्ष्मी और उसकी बहन संगीता, लक्ष्मी से संबंध इंद्र प्रजापति के थे, जिस बात को लेकर लक्ष्मी के लड़के लखन को आपत्ति रहती थी। लखन जो है वो पहले जो ओरिजिनल पति था उसका लड़का था। इसके अलावा संगीता जो उसकी बहन थी, जो कि दिग्विजय सिंह मल्टी में रहती है, उसके लड़के रोहित से भी इसका विवाद था, झगड़ा हुआ था इनमें आपस में। तो ये प्लानिंग हुई संगीता के साथ में, रोहित, लखन, कालू और बबलू, ये जो इसमें 4 व्यक्ति हैं, राजेश बौरासी, कालू, बबलू, ये सब वहाँ दिग्विजय सिंह मल्टी के रहने वाले हैं और इन्होंने उसको पहले मृतक को पकड़ के ये कंडीलपुरा पुल के पास ले गए, वहाँ उसके साथ मारपीट की और उसके बाद में छोटे बांगड़दा रोड में जो है इसको चाकू से भी मारा और इसके डंडे से हाथ पैर भी तोड़ दिए। मुख्य रूप से रिवेंज इस घटना के पीछे था, आक्रोश, और इसकी बेदम पिटाई करने के बाद में इसको मरा समझ के, और वो जो
अपना एक्सटेंशन है ये अंबिकापुरी एक्सटेंशन में फेंक के चले गए। इस घटना में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना से संबंधित सभी जो भी उसमें घटना में प्रयुक्त हुए आला जरब हैं, स्कूटी है, ये सब पुलिस के द्वारा जब्त किए जा चुके हैं। अत्यंत कठिन एक प्रकरण जिसमें कि स्वयं मृतक भी अज्ञात था, आरोपी अज्ञात थे, पुलिस ने उसमें लगातार एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 24 घंटे में ना केवल मृतक की पहचान की बल्कि सारे समस्त पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल